वहां भी आके ऐसे बोलेगा मैं नहीं कर रहा। चलो ठीक है, तो अगर इतनी सी ग्रोथ हुई है तो आगे भी होगी, है ना। तो भाई एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए थे कोला को लेकर, कोला का प्रोडक्ट, क्योंकि काफी सारे दोस्त पैक को ट्रेन कर लेते हैं फिर वो कोला का प्रोडक्ट। पूरी मसल है ना आपकी, कोला से लेके लोअर बैक वो आपकी बैक की मसल मीट होती है, और लोग ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाते क्योंकि वर्कआउट बहुत लंबा हो जाता है तो थक जाते हैं, तो वर्कआउट मतलब पूरा नहीं करते, छोड़ देते हैं, आलस कर देते हैं। ऐसे ही आप जब शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें भी बंदा एक आधा ही वर्कआउट करता है कॉलर, जैसे स्ट्रेच कर लिया है, डंबल स्ट्रेच कर लिया। तो आज मैं आपको कम से कम 5 से 6 एक्सरसाइज करूँगा कॉलर, अगर किसी भाई ने कॉलर ग्रो तो वो अपने कॉलर ग्रो कर सकते हैं। टाइम हो रहा है 10, रात के 10 बज रहे हैं और मैं कॉलर का वर्कआउट करता हूँ। जिम पूरा पैकेज ना, सबसे पहले तो कार नहीं ले लेते प्योर, अभी नया नया लॉन्च हुआ है, मतलब नया लॉन्च कराई है, 7 दिन चल जाएगा ये, 60 सर्विंग है, और मेरा कोड यूज करूँगा बी एम राहुल तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, मैंने पहले से फिक्स कर रखा है इसके लिए। आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करके इसको मतलब मैंने काम के लिए ऐसे हो रहा है, 1 घंटा 10 बजे आया, 11 बजे भाग लेगा। भाई मेरे पास 2 जिम है, ठीक है, किसी भाई को तीसरी जिम दे गया तो दे सकता। वहां भी आके ऐसे बोलेगा मैं नहीं कर रहा। बीपी आई कर रहे हैं तुम्हारे, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत हंसी मजाक होगी, ठीक है। लड़का अपना मस्त है, बड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है लाइफ में, नहीं काम तो वो ढंग से पूरा करना है, थोड़ा मजाक ही होगा भाई। ये दांत वात ये दोनों टूट कर गीता में लिखा है, साफ साफ शब्दों में बहुत क्या बोलते हैं, नजर नहीं होती, किसी नजरिया होती है, जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है ना। तो नजर लगा दी, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सब हमारे कर्मों का हिसाब है, जैसे हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारे को फल मिलता है, और हम बोलते हैं बनते हैं, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। प्रकृति बहुत शाही है, जो आप सोचोगे माइंड क्रिएट कर, हम सोचेंगे बीमार हम सोचेंगे स्वास्थ्य स्वस्थ होते, ठीक है ना। तो हम भगवान ने हमको ऐसा बनाया, तो जैसा सोचेगा मैं तो वैसा ही बना दूंगा, और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि इतने बजे नजर लगा दी तो बॉडी फिर वही चेक करने लग जाती है, नजर लगा दी नजर लगा दी फिर बीमार, तो ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार ये सोच के देखा, मैंने कभी सोचा ही नहीं नजर क्या, मैं तो कुछ नहीं बनता, सिर्फ ये धागा है, ये इसलिए मैं बताया कि नींद जरूरी बुरी है हमारे भाई, कुछ भी नहीं होता ऐसा, सोच बदलो सब कुछ बदल जाएगा भाई। एक नॉर्मल सा वर्कआउट, सबसे पहले हम डंबल स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना वेट सेट करें ना, जरूरी नहीं है हैवी लेना है, बस रेंज ऑफ मोशन आपका पूरा होगा, ऊपर जाके आपको लॉक करना है 2 से 3 सेकंड के लिए, बैक के बाद इसको आप कर सकते हो, या आप कॉलर जैसे आप शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हो उसके बाद भी कर लेना। सिर्फ 2 वर्कआउट करने से आपके कॉलर कभी डेवलप नहीं होंगे, ध्यान रखना, कम से कम आपको 4 से 5 एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो ये मैं ट्रेनिंग आपको बता रहा हूँ, ये 4 ट्रेनिंग में आपको फर्क आ जाएगा पूरा, ठीक है। छोड़ना नहीं है, पेन बहुत होगा आपके कॉलर में, लेकिन फेलियर तक जाना, इसमें कोई रैप रेंज कोई सीमा नहीं होती कि आप कितने रैप कर रहे हो। सबसे बात यह है कि आपकी मसल फेल होनी चाहिए बढ़िया, जब आपको लगे कि आपका माइंड गिव अप कर रहा है, बॉडी तो पहले गिव अप कर देगी, जब माइंड गिव अप करे उसके बाद भी आपको पार्शल रैप मारने हैं 5-6, स्टार्ट करने जा रहा हूँ वार्म अप से, आप देखते जाना, एक एक ही सेट दिखाऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाएगी, पहले बहुत सारी बात हो चुकी है ना। फर्स्ट वर्कआउट है डंबल स्ट्रेच करेंगे बैठ के,
सुपर सेट है। क्लच पहले आप रिवर्स करोगे तो फ्रंट फेलियर तक जाना है। मैं थोड़ा सा बैंड होता हूँ हल्का सा तो अच्छे से कनेक्ट कर सकूँ और अगर प्रॉपर आप नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि मेरे जो पोस्चर करो, मैं पूरा फील करता हूँ। अगर आप ऐसे करोगे तो शायद आपका आपकी कॉलर कनेक्ट ना हो, आप नॉर्मल कर लेना, ठीक है। अगर आप कनेक्ट कर पाओ तो हल्का सा बॉडी को टिल्ट करके पूरा रेंज ऑफ मोशन आ जाएगा, तो पूरा स्पीड होगा। तीन सेट फेलियर सिंगल स्ट्रच करेंगे, सिंगल फील्ड, तीन एक्सरसाइज होगी। ये वर्कआउट दो और है लेकिन आप कर नहीं पाओगे, छः वर्कआउट शूट करना था, टाइम ज़्यादा हो गया, फिर जाना पड़ेगा। तो फिर किसी दिन मैं आपको दिखा दूँगा। आप ये चार वर्कआउट भी अगर अच्छे से कर लोगे ना, तीन तीन सेट, तो इसमें भी कम से कम आपको आधा घंटा 35 मिनट लगेगा, तो ये भी काफ़ी है ना। सर नॉर्मल था आपको ट्रीट होना है अंदर तक, स्ट्रेच को नॉर्मल ऊपर होल्ड करना, ठीक है। पूरा स्ट्रेच नीचे फेलियर तक 15 से 20 मिनट। मेरी बॉडी के अंदर है ना सबसे वीक पार्ट जो था ना, वो मेरे कॉलर ही थे। तो आपने देखा होगा अक्सर जब मैं स्टेज पे होता हूँ तो मेरे कॉलर पीछे से तो ठीक लगते हैं लेकिन फ्रंट से थोड़े से वीक थे। तो ये मेरे जेनेटिकली हो सकते हैं वीक थे, और बैक से अच्छे दिखते लेकिन फ्रंट से थोड़ा कम, और टाइम लगेगा ये भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे कभी कॉलर बनेंगे। और इतना अगर बन गए तो उम्मीद है कि आगे भी बन जाएंगे, है ना। तो आप लोग भी चार वर्कआउट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी वर्कआउट है। मैं आपको नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आपको कॉलर की और वीडियो वर्कआउट में शेयर करूँगा, ठीक है। आप बताना कमेंट्स करके कैसे लग रहे हैं। इससे आपको कॉलर थोड़े छोटे लग रहे होंगे, जो मेरे कॉलर है ना फ्रंट से आपको थोड़े छोटे लग रहे होंगे, छोटे 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 छोटे, और बैक से देखिए पीछे शीशे में बैक को, बैक से कॉलर ठीक है। तो अगर इतनी सी ग्रोथ हुई है तो आगे भी होगी, है ना। तो वर्कआउट ये भी कंप्लीट करते हैं, आज का वर्कआउट खत्म करते हैं मेरे भाई। अब मिलूंगा मैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद।